हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ यहाँ पर फूल तोड़ने, क्योंकि ये फूल देख के रहा नहीं जाता है। गुड़हल का जो पेड़ है उसमें पत्तियाँ इतनी नहीं है, लेकिन डेली फूल इतने सारे खिल जाते हैं। और अभी जाना था पूजा करने, तो मैंने जितने भी फूल लगे थे उतने सारे तोड़ लिए हैं। और पेड़ में लगे हुए भी अच्छे लगते हैं, तो तोड़ने का भी मन नहीं करता है। तो जो एक दिन पुराने हो जाते हैं ना, जो थोड़ा सा मुरझा से जाते हैं ना, मैं वो तोड़ लाती हूँ। जो न्यू होते हैं ना, जैसे आज ही खिला है कोई गुलाब या सूरजमुखी, मैं उसे छोड़ देती हूँ, बाद में तोड़ूंगी। क्या करना है उनको, जिनको तेल में, वो तेल कह रही घी में भूंज के रखो, अगर गुड़ ठीक है, और निकाल के पांच है तो चढ़ा दे भोलेनाथ में, और कुचंगे बना दे तो उनमें भोग लगा दे, अंदर भोग लगा दे। ठीक है, और तो कुछ बनता नहीं अपने, है ना? हाँ, बस उन्हीं को सेक के चढ़ा देना, बोले वो पूड़ी बना लेनी। ठीक है, और खाना में पूड़ी में बनेगी कि तवा नहीं? तवा नहीं चढ़ने है। ठीक है, बना ले पूड़ी सब्जी भी कुछ बना ले, उनका तो दलिया बनवा करी। नाना को तो दाल दलिया बना दूंगी, दो लोगों के लिए फिर सब्जी पूड़ी बनाएंगे अलग से। नाना तो पूड़ी खाएंगे नहीं बिल्कुल भी। हो गई है, और अब जा रही हूँ नीचे प्रसाद बनाने, क्योंकि जो वो होली के टाइम पर बना के रखा जाता है ना, वो बासा प्रसाद, जो भी बसरई बोला जाता है उसे, वो आज चढ़ाया जाता है। आठ होली शीतलाष्टमी को चढ़ाया जाता है। तो बस अभी देखो बाल कैसे हो रहे, कल धो लेते हैं, ऑयल नहीं डाला। पूजा हो गई है, बस प्रसाद बना के बाद में चढ़ा दूँगी। हम भी जा रहे हैं बनाने में टाइम लग जाता है, पता नहीं गर्मी हो गई है, थक जाते हैं जो धूप में। एक तो पूजा करो, यहाँ ऊपर नीचे से सामान ले जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर बनाती हूँ। और सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए रखा, उसके बाद ये आटा लगाया, और थोड़े से मुझे पूड़ी बनानी है पूजा वाली, तो मैं वो बना लेती हूँ। और वैसे ये कौन सा, मतलब कि दुर्गा अष्टमी है या तो खीरी भी बनानी होगी, बस सिंपल सी पूड़ी बना लेती हूँ। और वो प्रसाद जो है मिश्री वही रख के चढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पर एक एक कॉर्न बेलता, इसलिए मैंने एक बड़ी सी बेली और उसे छोटे गिलास से काट लिया। देखो एक बार में ये सारी बन गई, फटाफट से हो गया। और ये देखा आधा आधा वीडियो आ रहा है, मैंने बताया था ना मेरा ट्राईपॉड टूट गया, उस वजह से कहीं का वीडियो आ पाता है, कहीं का नहीं आ पाता है। और हाथ में लेके सारा वीडियो शूट कर रही हूँ, तो हिंदी भी बहुत रहा है, लेकिन मंगाया है, देखो आ जाएगा। आज डिलीवरी के लिए बोल रहा था, लेकिन देखो। और बस प्रसाद प्रसाद लगा के नीचे आई, तो जब तक बेल बजी तो मैंने बाहर जाके देखा तो ये आ चुका था मेरा फ्लिपकार्ट से, जो मैंने मंगाया था ट्राईपॉड। हाल फिलहाल के लिए छोटा ही मंगा लिया है, देखा जाएगा, क्योंकि टूटते बहुत हैं। और ये भैया ने ना खोल के दिया, मैंने कहा मैं खोल लूँगी, रहने दो अब, तो बोले नहीं हमारा ये काम है, हम ये खोल के ही सर्विस करते हैं। बनाते बनाते मेडिकल भगना पड़ा, वो तो अच्छा है कि मेडिकल थोड़ा ही सा दूर है, तो तुरंत पहुंच जाते हैं पैदल ही पैदल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो दूर है, 5 मिनट लग जाते हैं। नाना जी का पेट खराब है, उनको दिक्कत हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन पाउडर नहीं थे घर में, अगले साल के जो रखे थे वो सारे खराब, तो फिर जल्दी ऐसे ही गेटअप में बस दुपट्टा डाला, धूप लग रही थी, दौड़ते दौड़ते गई हूँ, अभी लेके आती जा रही हूँ। नाना ना ऐसे अचानक से काम बता देते हैं, कह रहे हम तो चल नहीं पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे, मैं इनकी खुद ही ले, और टहलते टहलते बोले हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। मेरे को पसीना निकला यार, फुल स्पीड से गई थी, एक तो दोपहर का टाइम 1 बज रहा है।
और आज मैं बना रही हूँ अपना फेवरेट लंच, कद्दू की सब्जी और पूड़ी। मुझे बहुत पसंद है कद्दू की सब्जी के साथ गरम गरम पूड़ियाँ, और मैंने बनाई और ये हो गया मेरा लंच रेडी, कद्दू की सब्जी, पूड़ी और अचार के साथ। और ये है आज सुबह का वीडियो कॉल। उतना वीडियो शूट करने के बाद बस मैंने रख दिया था क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। पता नहीं दो दिन से ऐसा लग रहा है जैसे कि जुकाम हो रहा हो, एकदम सर भारी भारी सा है। और अभी बस मैं छत में थोड़ा सा घूमने आई थी और ठंडा मौसम हो रहा था अभी, तो मैंने कहा झाड़ू भी लगा देती क्योंकि पेड़ों में पानी यानी डालते हैं ना तो मिट्टी वहाँ से बह के आती तो फिर पूरी छत में हो जाती है। इस वजह से फिर मैंने कहा अभी हल्की हल्की धूप है झाड़ देती हूँ, तो यहाँ पर झाड़ दी। छत बहुत गंदी होती है, पता नहीं क्यों गेहूँ यूँ डालने पड़ते हैं ना, तो हमें बहुत साफ भी करना पड़ता है, तो बस उसी वजह से है। नहीं तो लोगों की छत ऐसी ही डली रहती है, कोई नहीं डेली झाड़ू लगाता, लेकिन हमें गेहूँ यूँ फैलाने पड़ते हैं तो डेली झाड़ू लगाओ। और बस वो छत से आई हूँ और अभी नाना जी चले गए हैं छत में टहलने, तो सोचा बेड वेड साफ कर देती हूँ। झाड़ू तो मैं बाद में लगाती हूँ, चाय नाश्ता हो जाता है उसके बाद लगाती हूँ, पहले चाय नाश्ता का काम करती हूँ। और अभी ना 7:30 बज गए हैं, कभी कभी बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, कभी कभी टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। 7:00 सो के उठती थी जब नानी ने जगाया है और मामी रहती थी, तो इस टाइम पर हमारे घर में पूजा वूजा हो चुकी होती उनकी, सारा काम हो जाता है सुबह। बाकी काम चाहे दिन में लेट कर लें लेकिन सुबह का नहाना और पूजा पाठ उनका ना टाइम से हो जाता है। ये देखिए मामी के बेड में कपड़ों को किस तरह से फैलाया है। कल ना ये सारे कपड़े मेरे कुछ बैग के ऊपर रखे थे, कुछ हैंगर में टंगे थे, लेकिन वहाँ पर मैंने कल ना इतना बड़ा चूहा जाते देखा हैंगर से, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ये टंगे टंगे हैंगर में कपड़े काट डाले, तो मैंने सारे समेट के रात में यहीं डाल दिए थे। अब मैं इनको घर ही करके रखने जा रही हूँ। और ये रजाइयाँ हैं जो अभी बक्स में नहीं रखी गई हैं, सबकी इकट्ठी हो जाए नानी कह रही थी, फिर धूप दिखा के एक दिन रख देंगे, तो अभी मैंने सारी मामी के बेड में ही जमा कर दी थी, मैंने कि यहीं पर सब इकट्ठे हो जाएंगे एक दिन खोल के बक्सा और उसके अंदर रख दी जाएंगी। और बस इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। और वीडियो पसंद आया आज का तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। और मेरा आज फिर से सर सा दर्द हो रहा है क्योंकि जुकाम सा हो रहा है ना, जुकाम में हालत टाइट हो जाती है 2-3 दिन एकदम। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।